हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड डिफेंस जो में। जी हाँ फ्रेंड, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थर्ड और फोर्थ ग्रेड नियुक्ति पर, जी हाँ, 200 पदों में भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही आप सभी को बता दे, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 200 पदों पे हो सकती है पुनः बहाली। जी हाँ, आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एक अखबार के माध्यम से अपडेट निकल कर आई है। जी हाँ, 200 पदों पर नियुक्ति बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो आप सभी को फिर से मौका मिल सकता है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। पल पल की अपडेट जेएसएससी और जेपीएससी से इस चैनल से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी लाइक बटन को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड, यदि आप हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जी हाँ, आप इस पेपर कटिंग को वहाँ पर जाके देख पाएंगे और वहाँ पर दिन भर अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी और साथ में क्विज भी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो अखबार है ये रांची का अखबार है, भास्कर के माध्यम से निकल कर आई है। 200 पदों पर नियुक्तियां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जी हाँ, रिम्स में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में चेहरा देकर तय हुई है योग्यता। जी हाँ, आप सभी को बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पर रोक लगाकर जांच के आदेश दिए थे। कमेटी ने स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, तो चलिए हम आप सभी को पूरी जानकारी पढ़कर बताने वाले हैं। रिम्स में पिछले साल हुई थर्ड और फोर्थ ग्रेड की भारी गड़बड़ी हुई है। नियुक्तियों में विशेष का लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग ढंग से अर्हता योग्यता तय की गई थी। थर्ड ग्रेड की नियुक्तियों में इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार में भी ऐसा ही नियम है, फिर भी इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति की गई। चूंकि नियुक्ति वित्त मामलों से जुड़ा है, इसलिए सरकार और शासी निकाय की अनुमति जरूरी है, पर इसे भी दरकिनार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंद्र किशोर उराव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यह खुलासा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को सौंप दी है। जांच कमेटी को मिले शिकायत पत्र और रिम्स प्रबंधक को ओर से उपलब्ध कराए गए कागजात के आधार पर कमेटी ने माना कि इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं। जी हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे, पुनः हो सकती है बहाली, काफ़ी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। साथ ही आप सभी देख पा रहे होंगे, कमेटी ने रिम्स के सभी पदों पर नियुक्ति के द्वारा नियमों का उल्लंघन पदवार रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया स्थानीय और अर्हता निर्धारण समेत गड़बड़ियाँ है। कहा जा रहा है कि ऐसी गड़बड़ियां पकड़ में आई है कि नियुक्तियां रद्द भी हो सकती है। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है, नियुक्तियां रद्द भी हो सकती है, फिर से इनकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है 200 पदों पे। तो आप सभी को मौका फिर से मिलने वाला है। तो एक यहाँ पर निर्णय आप सभी देख पा रहे होंगे, अब इस पर सरकार का अंतिम फैसला लेना है। जी हाँ, सरकार जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, इनका अंतिम फैसला लेना है। यह रिपोर्ट 1 से 2 दिनों में विभागीय मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष बन्ना गुप्ता को भेजी जाएगी। जी हाँ, आप सभी देख पा रहे होंगे, बन्ना गुप्ता को भेजे जाएंगे रिपोर्ट, उसके बाद इनकी फैसला जल्द से जल्द ली जाएगी। तो आप सभी पूर्व में देख पा रहे होंगे, हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पर रोक लगाकर जांच के आदेश दिए थे। कमेटी ने स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी है। तो दोस्तों, ये जो फरवरी में बनी थी जाँच की कमेटी, तत्काल मंत्री ने उठाया सवाल। जी हाँ, आप सभी को बता दें, 200 पदों पर भर्ती थी पूरे रिम्स में, जो भर्ती निकल कर आई थी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के लिए। तो आप सभी को पुनः मौका मिल सकता है। तो यही अपडेट थी आप लोगों के लिए। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, जब भी इनका पुनः मौका मिलेगा इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।